द्वारा। गौरी, गीता मैडम बहुत अच्छी हैं, अच्छे से पढ़ाती हैं, अच्छे से समझाती हैं और माँ जैसा प्यार देती हैं। क्या नाम तुम्हारा? संकेत। किस विद्यालय में पढ़ते हो? गुरुमत दामिनी नगर पंचायत उचार रायबरेली। अच्छा, आपके मतलब कौन से अच्छे टीचर हैं? गीतांजलि मैम हमें अच्छे से पढ़ाती हैं और हमारा बहुत ध्यान देती हैं। निखिल गुप्ता। किस विद्यालय में पढ़ते हो? माध्यमिक विद्यालय नगर पंचायत उचार। हमारी बेस्ट टीचर, अच्छी टीचर कौन है? गीतांजलि मैम। मतलब क्या करती हैं वो? अच्छे से पढ़ाती हैं, अच्छे से समझाती हैं, जो नहीं आता उसे बताती हैं। क्या नाम है आपका? गीतांजलि सर। आपके विषय में किस विद्यालय में है? मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगर पंचायत ऊंचा रायबरेली में कार्यरत हूँ, इंचार्ज प्रधान अध्यापिका के पद पर। अच्छा, आपके विषय में हमने जो सुना है कि आप जो है एक बच्चों के प्रति और समाज के प्रति जो है आपकी भावनाएं बहुत अच्छे हैं, तो इस पे आपकी भाव कैसे आए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। मैं अपने बच्चों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हूँ। मुझे इन बच्चों में अपने बच्चे नज़र आते हैं, मुझे इनके कष्ट में कष्ट होता है। अगर कोई बच्चा कभी विद्यालय नहीं आता है तो मैं उसके घर पहुँचती हूँ, उसके ना आने का कारण पता करती हूँ। अगर बच्चा बीमार है तो उसे अपने वेतन से अस्पताल पहुँचाती हूँ और अपने वेतन के पैसे से उसका इलाज कराती हूँ और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करती हूँ। हमारा ये मानना है कि अब अगर हम इन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं तो हमारे शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है। हम शिक्षक हैं, हमारा कार्य है इन नौनिहालों को अच्छी शिक्षा देना। उसके लिए मैं पूरी तरह से जी जान लगा के कार्य करती हूँ। अच्छा, सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है? हाँ, सामाजिक दृष्टिकोण से हमारा ये मानना है कि शिक्षा ही समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कराती है। जैसे आजकल बच्चे हैं हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में, गरीब बच्चे आते हैं, वो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दें जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और उन्नति कर सकें, अच्छे पदों पर जा सकें, इससे उनकी हर तरह की स्थिति जो है वो अच्छी हो जाएगी। अच्छा, ग्रामीण अंचल में जैसे फुटपाथ पड़े होते हैं, क्या उन लोगों की भी आप लोग सहायता करते हैं? जी हाँ, अब ग्रामीण अंचल में तो हम लोगों के विद्यालय ही हैं, तो रास्ते में हम लोग जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बच्चा है, वो पढ़ा है, जैसे बहुत लोग अपंग होते हैं या लाचार हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। मैं रुक के देखती हूँ उनको और उनका कष्ट दूर करने का प्रयास करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हमारे जरा से कष्ट से अगर उनके जीवन में थोड़ी सी भी खुशहाली आ जाए तो समझिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। हमारे मनुष्य होने का सही मायने में अर्थ यही है कि हम मनुष्य होकर मनुष्य के काम आए।